मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है, क्योंकि न्याय प्रणालिका में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वो ही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो ही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा, निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है, जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहां है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा, परंतु ढेर सारी चीजों को हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी इस कानून के माध्यम से काम किया है। और विक्टिम सेंट्रिक कानून जब मैं कहता हूं, तब मान्यवर हमने ढेर सारा विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार खंड 173-93 और 230 में दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती, जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्यवर किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। मान्यवर, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से ये सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा मान्यवर, और जैसा मैंने कहा कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था, उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375-376 था, अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है, गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है, मर्डर 302 था अब 101 हुआ है, किडनैपिंग 359 और 369 था अब 137 और 140 हुए, ट्रैफिकिंग 370-370A था अब 143 और 44 हुए। मान्यवर, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर, और उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी है। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून
जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों, छह छह साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। माननीय, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है, शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन हो।